ये रहा वो 3 नंबर गेट जहाँ हमारा गाड़ी खाली करने के लिए गाड़ी प्रवेश करेगा। प्लांट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, इन कर चुके हैं और देख सकते हैं गले में क्या पहना दिया है, इसको गले में हार पहना दिया, सेफ्टी वाला जो है। देखिए चिकन पूरा बढ़िया सा हमारा फ्राई हुआ, एकदम लाल होके मस्त बुझा। अब इसमें हम मसाला ऐड करने जा रहे हैं, तो मसाला डालने जा रहे हैं। देखिए पानी थोड़ा डाल देते हैं, हल्का पानी देते हैं। चिकन ट्राई करने जा रहे हैं कि कैसा बना है इसको। ये अपना चिकन रहा विद लेग पीस। राधे राधे दोस्तों, एक बार आप लोगों को फिर से हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सुबह का अभी 7 बजा है और हमारा पिछला ब्लॉग में देखे कि हम प्रीतम धूम के माल लेकर आ रहे थे तो इंदौर में रुक गए थे इसी कारण वह पार्टी के कुछ पेपर चेंज करने के। तो ये रात को यही पंप में रुके थे जहाँ हमारा पार्किंग लगा था गाड़ी लगाने के लिए, सॉरी पार्किंग लिया था। तो सुबह सुबह उसका मालिक आने से पहले हमको गाड़ी बाहर निकाल दिया है। देख सकते हैं इस गाड़ी के पीछे गाड़ी हम लगा दिए हैं, तो रोड के किनारे है लेकिन साइड करके है, तो यहाँ पे सेफ्टी है, लेकिन रात को वहाँ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ भी हमको सुरक्षित नहीं था डीजल, अगर रात को यहाँ लगाते तो पंप में लगाए थे, डीजल हमारा बच गया, सौ रुपये लगा कोई बात नहीं। अगर इसी भी होटल तो में लगते हैं तो 20-30 रुपये पार्किंग लगता है, तो चले चले जाते हैं 10-20 रुपये लगता है कहीं और जगह पर। तो इंदौर के इंदौर में है, इंदौर समझ लीजिए भारत का सबसे स्वच्छ सिटी में है, बाईपास में है, तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं। तो अभी पार्टी को फ़ोन करने जा रहे हैं और पार्टी जितना जल्दी आए पेपर चेंज करके फिर हम जाएंगे खाली करने के लिए। आइए पहले पार्टी से बात करते हैं। हेलो, आओ टाटा मोटर के आगे जो ब्रिज है ना, ब्रिज के बस आगे पार करके जो भारत पेट्रोल पंप है वहीं पे रुके हुए हैं। कितना देर में आइएगा? तो जल्दी कीजिए फिर चल जाएंगे खाली करने, आज खाली जाए बढ़िया रहे। रास्ते में हाँ, तो कैसे नहीं रास्ते में, कैसे नहीं खाली कर, खाली कैसे नहीं रास्ते में भी तो क्या पेपर चेंज हो जाएगा, तो यदि पेपर चेंज होगा तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो बढ़िया रहेगा ना, क्योंकि बगल में तो है ज्यादा दूर, तो 11 बजे ठीक है जल्दी आइए। 11 बजे बोला है, थोड़ा ऐठ के बोल रहा है क्योंकि वहाँ गाड़ी बहुत ज्यादा दिन खड़ा हो गया था ना, इसीलिए खैर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब तो 11 बजे से पहले तो आएगा नहीं, 11 बजे तक लगभग आएगा, तो हम काम कर लेते हैं, खाना पीना अपना रेडी कर लेते हैं, ये झंझट हमारा नहीं रहेगा। खाना पीना रेडी रहेगा तो खाली पेपर लेकर खाली करने चल जाएंगे और 11 बजे जाएंगे, तो ये 12-1 बज जाएगा। खाली हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं। सुबह का भी 9 बज चुका है और हम छुट्टी भेज दिए थे सामान लाने के लिए, आज हमारा सब्जी खत्म हो गया था, सोयाबीन भी था तो थोड़ा सा बचा हुआ था अभी इमरजेंसी में काम आने के लिए। तो पीछे ब्रिज है, ब्रिज के नीचे वहाँ सब्जी भी मिलता है, वहाँ भेज दिया, तब तक हम वीडियो एडिटिंग कर रहे थे। छोटे सब्जी भी लेकर आ चुका है और ये देख सकते हैं कि यहाँ छोटे सब्जी लाया है, नेनुआ, नेनुआ है ना, मतलब जिसको हम लोग परवर भी बोलते हैं। सब कुछ कटिंग हो गया था, प्याज व्याज भी कटिंग हो गया था, लहसुन का भी छीन लिया। और ये देख सकते हैं सब्जी बनाने के लिए आलू फ्राई कर रहा है और हमारा चावल भी बन के इधर रेडी है, सब्जी बन रहा है। आलू अपना फ्राई हो चुका है और अभी प्याज भुंजा जा रहा है, ये देख सकते हैं तेल में प्याज डला चुका है। अपना प्याज और मिर्ची और लहसुन तीनों का पेस्ट जो है साथ में भुंजा रहा है, देख सकते हैं कितना मस्त है सब्जी बनाने के लिए। अब इसमें हम मसाला वसाला डालते हैं, मसाला अपना डलाना स्टार्ट हो गया है और अभी हल्दी डाले हैं और बाकी भी मिक्स मसाला डालते हैं। ये अपना मिक्स मसाला, सर 3-4 चीज के आइटम है, इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं मसाला को, उसके बाद डालेंगे आलू और नेनुआ। हल्का चटने लगा था तो डाल दिए पानी,
देखिए हमारा मसाला हो चुका है, इसमें अभी हम टमाटर डाल देते हैं, टमाटर साथ में डल जाएगा। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, उसके बाद आलू और नेनुआ डालेंगे। दोबारा भी पार्टी को फोन किया तो फोन रिसीव नहीं कर रहा है वो, और हमारा इधर सब्जी मसाला बन चुका है, देखिए आलू और नेनुआ डला चुका है और बस इसे भून जा रहा है। उसको बढ़िया से पकने देते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं इस पर। ये देखिए हमारा सब्जी भुंजा चुका है, इसमें अभी हम पानी मिला दिए हैं, इसको बढ़िया से पकने देते हैं। अभी हाफ ही पका हुआ है, तो पानी के साथ उबालते हुए पक जाएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद का फोड़ देंगे। सुबह का अभी 9 बज चुका है और अभी हमारा खाना पीना भी बन के रेडी हो गया है, और अभी पार्टी वाला आदमी आया था और पेपर एक्सचेंज किया, जो भी था उसका काम बेटी दे दिया। अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से लगभग बताया था पीतमपुर में एड्रेस दिया है, वहीं पे जाएंगे खाली करेंगे। इधर अपना खाना भी बनके रेडी हो चुका है, तो अभी हम खाना खाएंगे नहीं, छोटू खाना खा रहा है, हम खाएंगे वहीं पे जाके, उसके बाद हम खाना नहीं खाएंगे, तो फिर यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। दिन का 12 बज चुका है और अभी हम प्रवेश करने वाले हैं पीतमपुर। तो जो नेशनल हाईवे है ये देख सकते हैं, नेशनल मार्ग, ये हाईवे आगरा और मुंबई नेशनल हाईवे को हम छोड़कर पीतमपुर में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए पीतमपुर का बोर्ड दिया हुआ है, यहाँ से दाहिना लेकर बायां चढ़ना पड़ेगा, वो ब्रिज के सामने दिख रहा है, उसमें जैसे बायां लेके गोलमेज चढ़ना पड़ेगा, राइट के साइड पर तो लेफ्ट लेके वो ब्रिज पे चढ़ना पड़ेगा। पीतमपुर हम बस प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ से और बचा 20-25 किलोमीटर और बचा है प्लांट, जहाँ खाली होने वाला है गाड़ी, चलिए वहाँ चलते हैं। और पहले गाड़ी को खाली कराने का टाइम भी काफी हो गया, पेपर चेंज करने वाला ही खुद 11 बज गया था उसी पास, ज्यादा टाइम लग गया। पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में प्रवेश कर चुके हैं, ये देखिए पीतमपुर अभी हम पहुंचने वाले हैं। दिन का 1 बज चुका है और हम पहुंच चुके हैं प्लांट में। तो प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, इसका गेट बहुत सारा है, तो गेट पे गए तो वहां से थोड़ा गेट पे जाइए, ये मोरिया सी आर है, सरिया, यहाँ पे सरिया बनाया जाता है, तो अब से गाड़ी वहाँ लगा दिए हैं और गेट पे जा रहे हैं, गेट पे जमा करते हैं और देखते हैं कितना देर में अंदर करता है गाड़ी से। वो वाला गेट पे भी हमारा एंट्री नहीं हुआ, उससे बोला कि 3 नंबर गेट पे जाइए, आगे 3 नंबर गेट है, वहाँ पे हमारा लोड गाड़ी का एंट्री था, वो खाली गाड़ी का एंट्री था वहाँ पे, मतलब खाली गाड़ी लोड करने जो गाड़ी प्लांट में घुसता है उसके लिए वो गेट था, और अभी 3 नंबर गेट जो है जहाँ खाली करने वाला जो गाड़ी जाता है उसके लिए वो गेट है। ये रहा वो 3 नंबर गेट जहाँ हमारा गाड़ी खाली करने के लिए गाड़ी प्रवेश करेगा। 1 बज चुका है इसीलिए लंच हो चुका है, लंच होने के कारण बोला कि लंच के बाद आइए, एंट्री तो हमारा हो गया है लेकिन स्टोर में जो स्टोर रूम है उस पर बोला उसमें भी थोड़ा चेक होगा पेपर, तो बोला कि लंच के बाद आइए, अभी जा रहे हैं गाड़ी में रहेंगे आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद जाएंगे। और अभी तक हमारा खाना हुआ नहीं है, खाना इसलिए नहीं हुआ कि हमको अब भूख ही नहीं लग रहा था, पता नहीं अभी अभी थोड़ा थोड़ा लगा था, खाना तो हमारा कब से बनकर रेडी हुआ, अभी तक खाना खाए नहीं, तो चलिए खाना भी हम भी खा लेते हैं, उसे फिर जाएंगे और फिर आगे का प्रक्रिया जारी रखें। हम आ चुके हैं गाड़ी में और अब लंच हो गया था, हम भी खाना खा लेते हैं, हल्का तो भूख लग गया हमको भी, बनाया है आलू और परोल रहता है सब सब्जी, हमारा चावल का चुका है वो सब खराब है, ट्राई करते हैं कैसा बना है। हम सभी तो तगड़ा बना है लेकिन थोड़ा आलू और दोनों का मिक्सिंग नहीं है इसमें, परोर और आलू का खाना तो शानदार है। दिन का 2:30 बज चुका है और अभी हमारा गाड़ी एंट्री उंट्री सब कुछ हो गया है और गाड़ी लेकर हम निकल चुके हैं अंदर गेट के लिए करने वाले लिए, तो अंदर में हमारा 2 कांटा होने वाला है, तो फिर गेट पास हम गाड़ी लेकर आ चुके हैं, तो अभी गाड़ी अंदर करते हैं और कांटा वाटा करा के गाड़ी को खाली करवाने का प्रयास करते हैं। प्लांट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, इन कर चुके हैं और देख सकते हैं गले में क्या पहना दिया है, इसको गले में हार पहना दिया, सेफ्टी वाला जो है ड्राइवर के लिए विजिटिंग कार्ड है गेट के अंदर घुसने के लिए, तो हम प्लांट के अंदर घुसे हैं, इधर कांटा करा लिए हैं, अभी दूसरा जगह कांटा करा रहे हैं।
दिन का 3:30 बज चुका है और हमारा गाड़ी जो है काट आउट करा के और लग चुका है गाड़ी, ये देखिए खाली पॉइंट पे थे। अभी खाली नहीं होगा, अभी सैंपल होगा, सैंपल के लिए भी सब कुछ खोल दिए, पीछे से कृपाल को उठा दिए और डाला खोल दिए, अभी सैंपल होगा, सैंपल पास होगा उसके बाद हमारा गाड़ी जो खाली करने के लिए लगे। ये टेलर देखते हैं, टेलर खाली होने बाद ही खाली होगा, लेकिन पहले गाड़ी का हमारा सैंपल होने वाला है। ये पटौटा सब कुछ निकाल लेते हैं पीछे से फिर। अभी जो माल जा रहा है वो खाली नहीं बल्कि सैंपल के लिए जा रहा है, बस 8-10 बोरी जाएगा सैंपल के लिए। अपना माल जा चुका है और अभी गाड़ी बोला है साइड में लगाने के लिए, तो अभी जाए गाड़ी साइड में लगा देते हैं। ये गाड़ी जो टेलर है खाली होने बाद खाली होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा माल है। शाम का 6 बज चुका है और हम सैंपल दिला के हम सो गए थे गाड़ी में, फिर उठे तो छोटू को भेज दिए थे पूछने के लिए खाली होगा नहीं होगा। तो बहुत गाड़ी इस तरह घिंचा है, लेट से भी आए तो पेपर चेंज करने में थोड़ा टाइम लगा था। बोला कि गाड़ी आज नहीं है, वो टेलर खाली हो रहा है, वो टेलर खाली होने बाद अभी भी खाली हो रहा है और अब कल खाली होगा, हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं, हमारी गाड़ी कल खाली होगा। चलिए अभी मार्केट जाते हैं, मार्केट तरफ से कुछ लाते हैं, तब तक कुछ बनाने वाला, क्योंकि अब तो खत्म हो गया, नवरात्रि चल रहा था इसलिए हम लोग बना रहे थे, नवरात्रि खत्म हो गया, भाई कुछ बनाते हैं स्पेशल, अगर बाहर कुछ देखते हैं कोई पैसा कुछ मिलता है तो। रात का 7:30 बजा है और हम लोग ले आए हैं मस्त चिकन, तो आज हम लोग चिकन बनाने वाले हैं। तो अभी छोटो चिकन खुद लेकर आया था, तो अभी बर्तन वर्तन सिंगार रहा है, उसके बाद हम लोग चिकन बनाने वाले हैं। हमारा चिकन बनना स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि छोटो रोटी बना के रेडी कर दिया है, तो रोटी हमारा बन गया है और सारा मटेरियल जो है ये देखिए हमारा सब कुछ कट गया है और कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और डालने जा रहे हैं हम तेल। ये अपना तेल और तेल कम डालेंगे, और आज हमारा चिकन बनाने का खास मकसद इसलिए भी है कि कार्तिक का पूर्णिमा कल से पड़ने वाला है, तो हम लोग को यूपी बिहार झारखंड में बहुत बड़ा पर्व है छठ पूजा, तो कार्तिक में छठ पूजा होता है, तो उसके कारण हम लोग चिकन उकन बना के नहीं खाएंगे, तो आज ही पर बना के खाएंगे, इसलिए चलिए हम चिकन पहले बनाते हैं। तेल तो गर्म हो रहा है अभी, हमारा चिकन बनना स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिए और सारा मटेरियल जो हमारा कट के रेडी हो चुका है, हमारा रोटी भी बन के रेडी है, तो चलिए चिकन को देखिए। तेल में अभी हम जीरा डाल दिए हैं और अभी हम प्याज डालने जा रहे हैं, ये देखिए क्या मस्त लगता है प्याज डालते हैं तेल में, जब प्याज डालता है तो उसका आवाज ही कुछ आता है छंद। प्याज हमारा हल्का हो चुका है, इसमें पेस्ट डाल देते हैं और पेस्ट को भी बढ़िया तरह से हल्का, तेल ज़्यादा इसलिए डाल देते हैं कि सारा तेल में बढ़िया से फ्राई हो जाती है, सभी तेल में देखते हैं फ्राई हो जाए सारा मटेरियल हमारा, हमारा तेल जितना है कभी चिकन जितना है थोड़ा फ्राई हो जाएगा। देखिए प्याज और लहसुन मिर्चा के पेस्ट हमारा हो चुका है, अब डालने जा रहे हैं हम चिकन, तो देख सकते हैं चिकन को हम पानी में डाल दिए थे, इसको धो के बढ़िया तरह से अब चिकन को डालते हैं। चिकन हमारा डाल चुका है और इसको चलाते हैं और तो फ्राई करते हैं, उसके बाद मसाला इसमें लगाएंगे, तो तेल के साथ हल्का मिक्स हो जाएगा, तो देखिए चिकन पूरा बढ़िया सा हमारा फ्राई हुआ है एकदम लाल होके मस्त भुना। अब इसमें हम मसाला ऐड करने जा रहे हैं, तो मसाला डालने जा रहे हैं इसमें हम, देखिए हल्दी से लेके जितना मसाला है मिक्स मसाला सारा मसाला इसमें हम डाल चुके हैं, तो मसाला डाल के इसको भी बढ़िया से मसाला के साथ इसको भूनते हैं चिकन को और देर तक और। ये देखिए हमारा चिकन मस्त फ्राई हो गया, अब इसमें हम टमाटर डाल दे रहे हैं, टमाटर के साथ टेस्ट रहेगा थोड़ा शानदार, ये चिकन एकदम लाजवाब बना है, आए रोटी सब खाने में मजा आ रहा है। ये अपना चिकन बन के रेडी हो चुका है एकदम मस्त फ्राई हुआ एकदम सब जबरदस्त, और इसमें पानी डालेंगे, ज्यादा पानी डालेंगे नहीं, ताकि हम रोटी के साथ खाने वाले हैं, देखिए चिकन हमारा बन के रेडी है, देखिए पानी थोड़ा डाल देते हैं हल्का पानी से,
ये देखिए अपना चिकन बन के रेडी हो चुका है, पानी डाल दिए, सिर्फ 2 मिनट ढकेगा उसके बाद उतार देंगे इसको। अपना चिकन बन के रेडी हो चुका है और देते हैं गैस को बंद कर। देखिए अपना चिकन निकलना, अपना चिकन निकल रहा है, एक ठो मेरा हो गया, एक ठो छोटू का हमारा। देखिए चिकन बन के रेडी हो चुका है और हमारा चिकन भी निकल चुका है और अभी हम खाने जा रहे हैं। आज हमें देखिए हमारा रोटी बना है, पहली बार रोटी के साथ चिकन खाने जा रहे हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है कड़ी सो। कड़ी तो एकदम भाई साहब लाजवाब बना है, एकदम रोटी के खाने जैसा बना है। अभी चिकन ट्राई करने जा रहे हैं कि कैसा बना है सो। ये अपना चिकन रहा, अभी लेग पीस ये देखिए, चिकन भी शानदार लग रहा है, जबरदस्त मजा आ गया। खाने जा रहे हैं, मस्त बना हुआ है। रात के बज चुके हैं 10:30 और खा पी के हो गए हैं टंच, मतलब खाए हैं आज खाना, अच्छा खासा खाए। तो अब तो चिकन का तो बनना तो बंद हो जाएगा, तो चलिए हमारा गाड़ी भी खाली नहीं हुआ, इस बात का भी अफसोस है, कल खाली होना चाहिए। लोडिंग कर लिया, देखते हैं अगर इंदौर तरफ से अगर अगर मंडी में प्याज व्याज अगर होगा तो इधर से ही बात कर लेंगे, तो फिर जाएंगे अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में खाली करके से लोड करने तक के कोई प्रोसेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। yeah!